भगवद गीता 10वें अध्याय का पहला श्लोक जिसमें एक ईश्वर के बारे में बताया गया कि भूया एव महाबाहो शरणु में परमं वचा इति अहं प्रियमाणाय वक्षयामि हित काम्याया। ईश्वर वह भोर आने वाली, भूया एव महाबाहो, एक ऐसी भोर एक ऐसी सुबह आने वाली कि जिस वक्त एक बहुत बड़ा ज्ञानी और महर्षि आने वाला है। शरणु में परमं वचा, जिसके वचन सत्य पर आधारित होंगे। यत्ते हम प्रियमाणाएं, अगर आप उस महान भाव को पाना, उस बड़े ज्ञानी महर्षि को पाना, तो उसकी बात को सुनना और उसको जो उसको फॉलो होना, हित काम में आया वो आपके अपने हित की भलाई के लिए वो बात कहेगा। ना मैं विदुसुरगणा प्रभुम ना महर्षया, नहीं होगा कोई विद्वान और ज्ञानी उससे बड़ा। ना मैं विदुसुरगणा प्रभुम ना महर्षया, प्रभु उसको इतना बड़ा ज्ञानी और उस महर्षि को बनाकर भेजेगा। यत्ते हम अहमादिर ही देवानाम महर्षिणाम चा सर्वशा, उस ज्ञानी का नाम अहमद होगा, अहमादिर ही देवानाम उस देव का नाम अहमद होगा, महर्षिणाम चा सर्वशा, और वो सर्वगुण संपन्न होगा। उसके बाद भगवद गीता का तीसरा श्लोक, यो माम जन्मादिम चावेत्ति लोक महेश्वरम। यो माम यानी युगों युगों से जन्म नहीं लिया जो, यो माम जन्म आदिम, जन्म रहित है जो युगों से, आदि से लेके अनंत तक, यो माम जन्मादिम चावेत्ति लोक महेश्वरम, वही है जो सारे संसार का एक महान ईश्वर है। लोक महेश्वरम यानी लोक एक महा ईश्वरम, असमूढ़ा सा मृत्येशु, ऐसे ईश्वर जिसको मृत्यु नहीं है, सर्व पाप ही प्रमुच्यते, तो तुम ऐसे ईश्वर की भक्ति करो तो अपने तमाम पापों से मुक्त हो जाओगे। कैसे ईश्वर की, जो कभी किसी से जन्म नहीं लिया, जिसको कभी मृत्यु नहीं है, जिसको कभी जो है ऊंघ नहीं आती, और वही अकेला है जो सारे संसार का सबसे महान और सबसे बड़ा ईश्वर है। उसके बाद ईश्वर अपने बारे में कहता है, अहम ईश्वरम निराकार अजन्मे, मैं ईश्वर हूं जो निराकार हूं, अजन्मा हूं, सर्वशक्तिमान है और मैं सर्वशक्तिमान हूं, अहम प्रमुच्यते, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो यह वो ईश्वर है जो अपने बारे में सारी बातें खुल करके वेदों पुराणों में बताता है, हमें उसका स्मरण करना चाहिए, उसे बड़ी जो है विनम्रता के साथ स्वच्छ मन से और सत्य की खोज के साथ हमें इसको पढ़ना चाहिए और वो सत्य की खोज करना भी चाहिए। अगर इस भाव से आप उसको पढ़ोगे तो आप सत्य मार्ग मिलेगा ही, और यह कोई बड़ा अचंभा नहीं कि कोई किसी को समझ में ना आ जाए, ये तो बड़ी आसानी से समझ में आने वाली बातें हैं। इसका दूसरा भाग फिर हम दूसरे सेशन में बोलते हैं।